हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं, जो हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से करते हैं और इसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जब भी क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग में आता है और एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड करके इसे पूरे चार नंबर में दे दिया जाता है। बहुत ही छोटा सा और आसान क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से आता है, ठीक है ना, पूरा डेरिवेशन करना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक सर्किट बना लिया है। ये सर्किट बना रखा है, इसमें देखिए मैंने कोई भी लेबलिंग नहीं करी है क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पर मैंने तीन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस के सिंबल है, तो तीन रेजिस्टेंस बना रखे हैं, ठीक है। यहां पर हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। पहले वाले को हमने सपोज कर लिया कि पहला वाला रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा आपका R2 रेजिस्टेंस है और तीसरा आपका R3 रेजिस्टेंस है। यहां पर तीन रेजिस्टेंस वाला सर्किट बना लिया है। उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो ये वाली छोटी सी बड़ी डंडी है, बड़ी वाली डंडी को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। ये बैटरी है, यहाँ पर एक दो तीन, तीन सेल लगे हुए हैं और तीन सेल वाली ये बैटरी है। बैटरी की जो बड़ी डंडी है ना, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल्स दिखाते हैं और जो छोटी वाली होती है इसको नेगेटिव टर्मिनल्स दिखाते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा निकलते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है आपकी हमेशा करंट। यहाँ से करंट आई निकली है जो कि इस तरफ से होते हुए यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर भी करंट आपकी आई है और ये करंट भी आपकी इस तरफ से भी जाती हुई यहाँ पर करंट आपकी आई है, पहले आई है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही करंट यहाँ से आप देखेंगे तो तीन रास्ते में डिवाइड हो जाएगी, तो तब करंट आपकी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगी I1 करंट, सेकेंड वाले पाथ पे हो जाएगी आपकी I2 करंट और थर्ड वाले पाथ पे हो जाएगी आपकी I3 करंट। यानी कि जो करंट होगी जब यहाँ पर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। यानी कि तीनों रेजिस्टेंस जब पास होगी ना तो करंट आपकी यहाँ पर अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पाथ है तो करंट भी आपकी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो आपका वोल्टेज है वी है यहाँ पर, तो जो वोल्टेज जा रहा है यहाँ से, वो यहाँ से जाता हुआ जाता है जब यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए टर्मिनल दोनों सेम है। जब टर्मिनल आपके सेम होते हैं, एंड दोनों के सेम होते हैं और जितने भी आप कनेक्शन देख रहे हैं इन सबका एंड यहीं पर है, यानी कि इस वाले को हम सपोज कर लेते हैं कि ए है और इस वाले को सपोज कर लेते हैं बी है, तो इनका एंड आपको दिख रहा है सेम है। जब एंड सेम होता है तो उनके बीच का जो वोल्टेज होता है हमेशा सेम रहता है। यानी कि आप सिंपल तरीके से ध्यान रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि वोल्टेज आपका पूरे सर्किट में सेम रहता है, लेकिन करंट जो है आपकी वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है, जैसे यहाँ पर डिवाइड होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है प्रूविंग का, अच्छा ठीक है। तो लास्ट में जब यहाँ से होते हुए फिर करंट यहाँ से निकल के आएगी तो फिर करंट यहाँ पे आई हो जाएगी और वापस इधर से आती हुई चली जाएगी। यहाँ पर आप एक छोटी सी की भी लगा सकते हैं सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है बेटा, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि जो भी सर्किट में हमने लिट किया है ना, एज्यूम किया है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखिए, कंसीडर थ्री रजिस्टर्स R1, R2, R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। When करंट आई reaches पॉइंट ए, इट स्प्लिट्स into थ्री पार्ट्स I1, I2, I3। देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बनाया है, आपको समझाया, वही चीज़ यहाँ पर लिख दी। और इतना लिखना होता है, थोड़ा सा क्या होता है कि डेरिवेशन में हम लोग को थोड़ा सा जो भी कंसिडर करते हैं, लेट करते हैं, वो लिखना पड़ता है, ठीक। यहाँ तक आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे। अच्छा, जो यहाँ पर हमने देखा कि चार्ज जो है पूरे सर्किट में कंजर्व रहता है, वो हमेशा कोई भी सर्किट होगा, चार्ज हमेशा पूरे सर्किट में क्या होगा, कंजर्व होगा। चार्ज का मतलब, जब चार्ज कंजर्व है तो उसकी करंट भी कंजर्व होगी। तो यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपसे बताया ना कि जब करंट हमारी यहाँ से एंट्री करती है तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई, लेकिन जब यहाँ से करंट निकलती है तो वो फिर से आई बन जाती है। यानी कि उतनी ही करंट, मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पीयर की करंट गई और यहाँ पर डिवाइड हो गई, लेकिन जब वापस निकलेगी ना यहाँ से, तो फिर 10 एम्पीयर की करंट आ जाएगी। यानी करंट यहाँ पर पूरे में सेम रहेगी। मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया, देखिए, चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड, देयरफॉर द करंट आई दैट एंटर्स पॉइंट ए, इस वाले पॉइंट से, मस्ट बी इक्वल टू द करंट दैट लीव्स दैट पॉइंट बी, यानी कि इस पॉइंट बी पर। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं आपके, दोनों में जो करंट होगी वो सेम होगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर जब करंट आपकी इस तरीके से आ रही है बेटा, जब करंट हमारी दोनों जगह सेम आ रही है, तो हम इसके लिए क्वेश्चन बना लेंगे। आई इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम यहाँ पर, I1 + I2 + I3, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम, ठीक है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो देखा होगा वो लोग समझ जा रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे करना क्या है। देखिए, अब हम लोग को यहाँ से आई की इक्वेशन मिल गई है, अब हम लगा देंगे बेटा यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ के लिए हमको पहले ये बताना पड़ेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस वो कितना होता है, सेम होता है। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस मस्ट बी सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी बेटा, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे इसके बाद, अब यहाँ पे लगा देंगे ओम्स लॉ, हेंस बाय ओम्स लॉ, तो लगा देंगे हेंस बाय ओम्स लॉ। अच्छा, क्या है ओम्स लॉ, सभी बच्चों को पता होगा कि ओम्स लॉ है क्या। देखिए, अगर किसी सर्किट में आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जितना आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे करंट भी उतनी ज़्यादा उसमें प्रोड्यूस होगी। यानी कि जो आपकी वोल्टेज डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी करंट के, ठीक है ना। बस यही होता है आपका ओम्स लॉ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, ओम्स लॉ लिख लेंगे, वी इज इक्वल्स टू आई आर, और आर आपको पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ जो कि एक कांस्टेंट है। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया ओम्स लॉ। अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा निकालें आगे बढ़ा करके, आई की वैल्यू यहाँ से निकालें आई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपका वी अपॉन आर।
ये यहाँ पर बन गया। अब क्या करेंगे हम, यही जो करंट है आपकी, जब ये करंट यहाँ पे तीनों सर्किट से पास होगी तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा लेकिन आर चेंज होगा बार बार, आर वन में आर वन हो जाएगा, इसमें आर टू और इसमें आर थ्री, तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, आई वन इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर वन, इसको नाम देते हैं इक्वेशन टू का। अच्छा ये क्या निकला, जब हमारी आई वन आई यहाँ पर तो रेजिस्टेंस कितना हो गया आर वन और वोल्टेज यहाँ पर कितना है सेम, सब में आपका जो वी है यहाँ से लेकर के जो वी है यहाँ तक एंड तक ये सेम है सब में। ठीक है ये ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सब में सेम है, तो बस वी ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन हम बना लेंगे, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं आई टू। आई टू वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, देखिए आई टू इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर टू, ये हो जाएगी अपनी कौन सी इक्वेशन थर्ड। ठीक है अब इसी तरह बना लेते हैं हम यहाँ पे आई थ्री, आई थ्री की इक्वेशन क्या हो जाएगी वी अपॉन आर थ्री, और इसको बना लेते हैं इक्वेशन फोर। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर वन टू थ्री फोर इक्वेशन जो है वो बना ली। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, अब ये जो वैल्यूज नहीं है यहाँ पे हमारी किसकी आई वन आई टू आई थ्री की, ये वैल्यूज यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख देंगे। जो देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे क्या लिख सकते, देखिए चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन किया जाए इसकी। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारा ये आई है आपका तो आई रहेगा। अब यहाँ पर आई वन के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं वी अपॉन आर वन, तो यहाँ लिखेंगे वी अपॉन आर वन। आई टू के प्लेस पे क्या लिखेंगे वी अपॉन आर टू। आई थ्री के प्लेस पे क्या लिखेंगे वी अपॉन आर थ्री, इतना हमने लिख लिया। ठीक है ना, अच्छा इसके आगे चलिए लिखते हैं, इसके आगे लिखेंगे तो क्या होगा, जो अपना आई है ना आई, आई की वैल्यू देखिए कितनी यहाँ से लिखी थी आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो यहाँ पर भी उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर। और इसके आगे ये जो वैल्यूज है ना इनमें से वी कॉमन ले लीजिए, वी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए अंदर अंदर आपको बचेगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, और अगर रेजिस्टेंस होते तो हमारे और भी आगे चले जाते। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, ये जो वी है ना वी वाला वी वन से वी वन ये कट जाएगा, वी और वी कैंसिल हो जाएगा, जब वी वी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर वन बचेगा। ओके, और ये यहाँ पर भी वन बचेगा, तो इस वन का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपका वन बचेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। यहाँ पर हमको यही प्रूफ करना होता है कि वन अपॉन आर के इक्वल में हमारे जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं सब एडिशन में आ जाते हैं, यानी वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, अगर और भी कनेक्ट होते तो वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। यही हमारा निकल के आता है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमारा टोटल जो होता है यही प्रूविंग करनी होती है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जो आपको याद है ना वन अपॉन आर पी, वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू लिख लेंगे वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, और इसको हम बंद कर देंगे डब्बे में। यहाँ पर जो आपका आर पी है ना वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो भी किसमें पैरेलल कंडीशन में। ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये वाला बेटा प्रूव कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी इसकी प्रूविंग कंप्लीट होती है, बस इतना ही प्रूव करना होता है। अगर आपने इतना प्रूव कर दिया तो समझ लीजिए आपके तीन नंबर बड़े आराम से पक्के हो जाएंगे, और एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर एक नंबर वाला लगा दिया है तो समझ लीजिए चार नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्लास पैरेलल कॉम्बिनेशन वाली प्रूविंग अपनी कंप्लीट होती है यहाँ पर। अगर आपको सीरीज वाली कॉम्बिनेशन वाली सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं बड़ी आसानी से। इन दोनों में से एक आने के चांसेस 99% है कि इनमें से एक प्रूविंग आपकी आ जाएगी। अगर आ जाती है तो तीन से चार नंबर पक्के हो जाते हैं। तो फटाफट इसकी तैयारी कर लीजिए, बढ़िया तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में।